नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडिड स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजीली अकाउंट खोल सकते हो। ओके, और यहां पे जो साइकोलॉजिकल रूल्स है, देखिए आप लोगों को लगता होगा इसका कोई काम नहीं है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसको अप्लाई कीजिए, खाली पढ़ने से नहीं होगा, इसको अप्लाई कीजिए। आपको लगेगा अरे ये तो हमें पता ही है, लेकिन पता होना और उसको मार्केट में अप्लाई करना बहुत ही अलग बात है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों का आपको टैली करके अच्छे से मार्केट में अपने आप को सुधारना होगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अभी स्टॉक पे। कल का इंटरेस्ट स्टॉक है टाटा स्टील। उससे पहले हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में चलते हैं एक रिवीजन के लिए। ठीक है, एक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को जाना चाहता हूं, मतलब बताना चाहता हूं। देखिए, यह आपको यह आई कार्ड बटन में यहां पे आपको मिल जाएगा, आई कार्ड बटन में। तो यहाँ पे आपको क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको ऑप्शन आप लोग ट्रेड करते हो, चाहे वो थर्सडे हो चाहे वो किसी भी दिन का हो, आपको जस्ट ये आपको फोकस में रहना है। इस वीडियो में आपको बताया गया है उसको आपको क्या देखना है कि ये हाई और लो फर्स्ट कैंडल का इसको आप डिनोट कर ले। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे स्कैल्पिंग फर्स्ट हाफ एन आवर में आप या वन आवर में आप स्कैल्पिंग चाहो तो कर लो, और फिर आपको मार्केट में सारा दिन में एक मौका आपको जरूर देगा स्पेकुलेशन का, एक मौका आपको जरूर देगा स्पेकुलेशन का। उसको आपको पैटर्न ढूंढना है, या अगर आपको ये नहीं पता स्पेकुलेशन आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्कैल्पिंग, ये जो स्कैल्पिंग है हाई और लो का इस रेंज का, इसका फायदा आपको उठाना है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेक मिला सस्टेन किया फिर जाके तो धमाकेदार परफॉर्मेंस होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। मार्केट ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है ट्रेडिंग जितना समझाया जाता है, तो इसको आप जरूर समझिए। ओके, तो सीधा चलते हैं कल के इंटरेस्ट स्टॉक पे। कल का इंटरेस्ट स्टॉक है अपना टाटा स्टील। आ गया, रुकिए एक मिनट सर। टाटा स्टील, हाँ, टुमारो सेंटरडे स्टॉक इज टाटा स्टील। टाटा स्टील हमने क्यों चूज किया, इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है, टाटा स्टील हमने क्यों चूज किया। टाटा स्टील में देखिए, आपको सिंपल यहाँ पे देखना है कि जैसे ही कल मार्केट यहाँ पे खुला, जैसे ही देखिए यहाँ पे इसने जो इसका पहला यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से जाके इसको रेजिस्टेंस के तौर पे किया, फिर इसने हाई लगाया, यहाँ पे इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला, दूसरा इसका यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और आज इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से ब्रेक किया। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसने सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। देखिए सस्टेन भी करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, वापस नहीं जाने की कोशिश मतलब चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर सस्टेन किया, सस्टेन करके अपसाइड मोमेंटम देने की ज्यादा ए पॉसिबिलिटी हो, वो भी हम डिपेंड करेंगे ये आज का रात का जो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा, इन परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर ग्लोबल परफॉर्मेंस सबका सही रहा तो फिर दिखेगा कल इसको अपसाइड मोमेंटम में ही जाना चाहिए। ठीक है, जो भी है मैंने आपको बता दिया, सस्टेन अगर ये करके अपसाइड मूवमेंट दिया तो हम यहाँ पे 916 पे हम लोग बाई करेंगे, 916 पे बाई करेंगे, फर्स्ट टारगेट 926, एंड यहां से आप ट्रेल करके आपको आगे आगे आपको 934 तक का टारगेट आपको दिख सकता है। ठीक है, शॉर्ट सेल में आपको 870, ये तो वर्स्ट सिनेरियो पे है। हाँ, अगर अगर यहां से वो सस्टेन नहीं करके रिवर्सल आया तो आप यहाँ पे जाइए। बट मेरा अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सही है, अगर रात को सही रहता है, तो फिर मैं तो फुल प्रूफ बाई साइड में ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा कल का इंटरेस्ट स्टॉक। ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको क्या कहा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, इसको समझ के रखिएगा। कल हम बाई साइड पे ही जाने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट्स करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू दोस्तों, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, बाय।